Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course Studies of Playgroup to Class 12, Emotional and Communication Skills, Happiness classes and DIY activities. Hello student. Now today we are going to solve a numerical problem based on spring force or spring potential energy. Okay, so कल हमने बात किया था spring potential energy क्या होती है. स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी, अगर स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के है सो जो उसके पोटेंशियल एनर्जी होती है इज गिवन एज 1/2 के एक्स स्क्वायर वेयर एक्स विद अ डिस्प्लेसमेंट. ओके, सो इसी फॉर्म पोटेंशियल एनर्जी पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है. क्या है, कह रहा है ए 1 kg ब्लॉक. न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 6.26 NCERT से है. कह रहा है ए 1 kg ब्लॉक सिचुएटेड ऑन ए रफ इंक्लाइन इज कनेक्टेड टू अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कॉन्स्टेंट 100 Nm/m एज शोन इन फिगर, जैसा कि इन्होंने दिखाया गया है. ओके, द ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट विद द स्प्रिंग इन द अनस्ट्रेच पोजिशन. यानी इसको हमने क्या किया है, स्प्रिंग को अनस्ट्रेच पोजिशन से रिलीज किया है. ओके, द ब्लॉक तब क्या करता है, ब्लॉक 10 सेंटीमीटर क्या करता है, मूव करता है. द ब्लॉक मूव 10 cm डाउन द इंक्लाइन. ओके, और इसके बाद क्या जाता है, रेस्ट में आ जाता है. ओके, सो फाइंड द कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द इंक्लाइन. एज्यूम दैट फ्रिक्शन हैज़ नेग्लिजिबल मास, यानी स्प्रिंग के मास को हमने कंसीडर नहीं करना है. एंड पुली इज फ्रिक्शन लेस, और ये जो इन्होंने पुली लगाई है ये भी क्या है, फ्रिक्शन लेस है. ओके, सो सॉल्व कर लेते हैं. कैसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा ये जो स्प्रिंग है उसको हम बाद में बात करेंगे, पहले हम ये देख लेते हैं इंक्लाइंड प्लेन की बात कर लेते हैं. ये इंक्लाइंड प्लेन है. ओके, इस पर क्या है, एम मास का जो बॉडी रखा है. ओके, सो इंक्लाइंड एंगल कितना है, ये 37. ये कितना गिवन है, 37. ओके, सो इसका जो वेट होगा वो क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा. इक्विलिब्रियम कंडीशन है, सो इस पर जो फोर्स एक्ट हो रहे हैं उन सारे फोर्स को हम रिजॉल्व कर लेते हैं, है ना. इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम फ्रिक्शन के केस में भी किए हैं, सेम प्रॉब्लम है, कोई नई बात नहीं है. समझ लेंगे तो ट्राई करेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा. ओके, ये कितना है, एम जी है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा ऑलवेज. सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन होगा. दिस इज आर, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, आर से रिप्रेजेंट करते हैं. जो फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होगा वो किस डायरेक्शन में अप्लाई होगा, इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग ही डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होगा, इसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में. सो दिस इज फ्रिक्शन फोर्स. ओके, सो अगर मैं ये देखिएगा, ये एंगल कितना है, 37 है. सो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये तो परपेंडिकुलर आएगा ना, सो ये क्या हो जाएगा, 90. ये कितना हो जाएगा, 90 - 37. ओके, सो अगर मैं नॉर्मल रिएक्शन के एक परपेंडिकुलर यहाँ पर खींचूँ सो ये क्या होगा, प्लेन के नॉर्मल है, नॉर्मल जो होता है ऑलवेज प्लेन के परपेंडिकुलर होता है. ओके, सो ये जो टोटल एंगल होगा, ये जो पार्ट एंगल बनाएगा नॉर्मल विद द नॉर्मल, ये कितना होगा, 90 होगा. और ये कितना है, 90 - 37, यानी ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा फिर, 37. क्लियर, सिंपल ज्योमेट्री है, कोई दिक्कत नहीं है. किसी को नहीं समझ में आता है मुझसे बाद में भी पता कर सकता है, ठीक है, कि ये कैसा आ रहा है. सो ये एंगल कितना हो जाएगा, 37. ओके, सो अगर मैं एम जी को अब ब्रेक करूँ तो ये कॉम्पोनेंट्स क्या हो जाएगा, एम जी कॉस 37, और ये क्या हो जाएगा, एम जी साइंस 37. ओके, ओके स्टूडेंट, सो एम जी का जो ये जो कंपोनेंट्स हो जाएगा, ये क्या होगा, एम जी कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, थीटा 37 है यहाँ पर, और ये क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा. ओके, सो ब्लॉक क्या कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है. सो नेट फोर्स ऑन ब्लॉक कितना हो जाएगा, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा, सॉरी एम जी साइन 37, एम जी
साइन 37 माइनस फ्रिक्शन फोर्स, यही तो नेट फोर्स इस पर वर्क करेगा, यही जो नेट फोर्स है यही वर्क डन है करेगा। ओके, जो बॉडी 10 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, बॉडी में 10 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, सारे स्टूडेंट के पास बुक है, बुक ओपन कर लेंगे और वीडियो को वॉच करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ओके, सो क्या है, 10 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट के लिए जो वर्क है दैट इज नेट फोर्स। ओके, सो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन, अभी वर्क डन बाद में बात करेंगे, पहले एफ का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। एफ क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है, हमें पता है फ्रिक्शन फोर्स एफ इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू आर, वेयर आर इज द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एंड म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ओके, सो म्यू का ही वैल्यू हमको फाइंड करना है यहाँ पर। आर का वैल्यू क्या है, आर का एक इक्वल हो जाएगा एम जी कोस 37 से बैलेंस हो रहा है आर अंडर द, ये जो कंडीशन हम लगा रहे हैं एट इक्विलिब्रियम कंडीशन है, ये जो है इन इक्विलिब्रियम कंडीशन है जो फोर्स बैलेंस हो रहे हैं। ओके, सो ये क्या हो जाएगा म्यू, आर का वैल्यू क्या हो जाएगा एम जी कॉस 37। ओके, सो नेट फोर्स क्या हो जाएगा एम जी साइन 37 माइनस म्यू एम जी कॉस 37। ओके, यही जो वर्क डन है, सॉरी ये जो नेट फोर्स है यही वर्क डन के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। ओके, सो वर्क डन बाई नेट फोर्स क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सो फोर्स क्या है, एम जी कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा एम जी साइन 37 माइनस म्यू इंटू कॉस 37। ओके, इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर कितना हो रहा है 10 सेंटीमीटर दैट इज 0.1 मीटर। ओके, ये जो वर्क डन हमको मिल रहा है ये कहाँ से मिलेगा हमको, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी से। जो स्प्रिंग स्ट्रेस पोजीशन में था वो जब हम उसको रिलीज़ किया ब्लॉक को, सो जो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज होगा या पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा वही तो इस वर्क डन के लिए रेस्पॉन्सिबल होगी। सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग कैसे गिवन करते हैं, 1/2 kx2। ओके, सो 1/2 k का वैल्यू हमको गिवन है कितना है 100 और x कितना है 0.1 सेंटीमीटर ही तो है, सॉरी 10 सेंटीमीटर है ना, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे कितना हो जाएगा 0.1। ओके, इसको स्क्वायर कर लेते हैं। सो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है यही वर्क डन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, यानी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ही वर्क डन में कन्वर्ट हो रही है। ओके, या यही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर था अगर हम इसको रिवर्स कहें तब। ओके, सो बस इक्वेट कर लेंगे, क्या हो जाएगा, इक्वेट कर देते हैं एम जी साइन 37 माइनस का म्यू कॉस 37 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 × 100 इंटू 0.1 का स्क्वायर। ओके, इसको सॉल्व कर लेंगे, सिंपल है, एम का वैल्यू आपको गिवन है 1 kg का मासिव ब्लॉक है, जी 10 इसका वैल्यू पुट कर देंगे। जब आप सॉल्व करेंगे, सिंपल अब तो सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। ओके, सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे सो म्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा, जो भी आएगा वही आपका आंसर होगा। ओके, इसको आप खुद से सॉल्व कर लेंगे, क्लियर। अगर कहीं कन्फ्यूज़न है तब बता दीजिएगा, फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। बस इसको आपको समझना है कि मासिव ब्लॉक में कैसे इसका मास हो रहा है। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ कि स्प्रिंग को हमने स्ट्रेच कंडीशन से लगाया है और वो किसी इंक्लाइंड प्लेन पर क्या हो रहा है, मूव कर रहा है ना। सो मूव कर रहा है, ये एंगल कितना है 37 है। ब्लॉक जो होगा, फिर से मैं बता रहा हूँ, जो इसका वेट होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा ऑलवेज। सो ये एंगल तो 90 बनेगा, तो ये कितना हो जाएगा, अगर इसको मैं थीटा सपोज करूँ तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। जो नॉर्मल रिएक्शन होगी वो तो प्लेन की क्या होती है, आउटवर्ड डायरेक्शन में रहेगी, और जो फोर्स फ्रिक्शन फोर्स होगा वो भी क्या होगा, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होगा। सो दिस इज फ्रिक्शन फोर्स। ओके, सो वेट क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम जी है। अब मैं नॉर्मल से, अगर नॉर्मल जो है, ये तो नॉर्मल रिएक्शन है ना, एक नॉर्मल को ही आगे को एक्सटेंड करूँ, तो ये जो नॉर्मल है सरफेस के साथ कितना एंगल बनाएगा 90। सो ये सरफेस के साथ जो एंगल बनाएगा नॉर्मल,
ये सरफेस के साथ जो भी एंगल बनाएगा ये कितना होगा 90, और ये इसकी बारे में क्या बात कर रहा हूँ, ये है 90 माइनस थीटा, सो ये क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा ये भी। ओके सो ये जो कॉम्पोनेंट्स है एम जी कॉस थीटा आएगा, और ये जो इसका मोशन के अलोंग जो फोर्स का कॉम्पोनेंट्स है वो एम जी साइन थीटा होगा। क्लियर हो गई अब बात। ओके इसको हम फ्रिक्शन में भी डिस्कस किए थे। क्लियर। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।